ये सब लिख लिए सब लोग। किस ये क्या किसने दिया था, ये क्या दिया था? फाइव किंगडम सिस्टम। अच्छा जानते हो तुम लोग, फाइव के अलावा ना एक सिक्स किंगडम सिस्टम भी आया हुआ है। जैसे हमने बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको पांच किंगडम में बांटा गया है, सभी को मिला के। पांच के अलावा एक सिक्स किंगडम सिस्टम भी है, लेकिन अभी वो तुम लोग को पढ़ना भी नहीं है और तुम लोग सिलेबस भी नहीं है। अब उसी में क्या किया गया, जो सिक्स आया है, जो मोनेरा था ना, मोनेरा जो मोनेरा था, इसी को दो भाग में डिवाइड कर दिया था। एक कर दिया था आर्की बैक्टीरिया और एक किया था यू बैक्टीरिया। अगर किसी को लिखना हो जानकारी के लिए तो लिख सकता है। अब ये दो ये हो गए, तो इसके स्थान पर दो बाकी प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एनिमल को मिला के सिक्स किंगडम सिस्टम हो जाएगा। लेकिन ये तो लोग में है नहीं, बस ऐसे ही हमने बता दिया कि अगर कभी मान लो कोई पूछ लिया जानकारी के लिए तो बता सकते हो। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में देखो क्या पढ़ रहे थे, वहां पे आते हैं। यहाँ पिछले क्लास हम लोग देखो कहाँ पढ़ रहे थे, ये वाला पार्ट बात पढ़े थे ना, दिखाई दे रहा है ये। देखो ये सारे क्या थे, किंगडम। कितने किंगडम थे? पांच, है ना। सभी का हम लोग मोनेरा का क्या करेक्टरिस्टिक होता है, उससे क्या एग्जाम्पल है, प्रोटिस्टा का क्या है, इसको क्या एग्जाम्पल है ना, फंजाई क्या है, उससे क्या एग्जाम्पल है, प्लांट है, ये सब के बारे में पढ़े थे। अब देखो आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में शुरुआत होगा, तो ये मोनेरा था और प्रोटिस्टा था, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं समझना। इसमें समझना ये है कि जो मोनेरा है इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब मोनेरा में क्या आएगा, मोस्टली आएगा बैक्टीरिया, और ये सारे बैक्टीरिया हैं। अगर हम लोग तुमको एग्जाम्पल दिखाएंगे ना उसका इमेज, तो थोड़ा सा देख के तुम लोग समझ पाओगे। रुक जाओ, दिखा रहे हैं उसका एग्जाम्पल। ओके, देखो तो दिखाई दे रहा है, ये सब बैक्टीरिया हैं। देखो यहाँ पे कोई अच्छा सा डायग्राम में सारे बैक्टीरिया हों, ये देखो जो दिख रहा है ना, ये सब बैक्टीरिया हैं। अब इनके ना अलग अलग शेप साइज और होते हैं, इनके अलग अलग सबके साइज से। जैसे देखो कुछ होते हैं ऐसे कोकस मतलब सर्कल में, कुछ होते हैं ये इस तरह के, और ये देखो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ये कुछ फ्लैजिला टाइप के होते हैं, और ये कुछ ऐसे होते हैं। ये पूरा अलग अलग क्या है, उनका साइज है बैक्टीरिया का। और एक होता है जो वायरस है, जो कौन सा वायरस था जो गंगा रिवर में पाया जाता है, बताया था कल, याद है? एक वायरस है जो मोनेरा से बाहर रखा गया है, उसका क्या नाम था? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज था ना, याद नहीं है क्या, बुला दिए? उसका नाम था बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको लिंक करने के प्रयास करो। ये जो मोनेरा है ना, अभी आगे मिलेगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें ये बात पढ़ा जाएगा। और ये प्रोटिस्टा के भी जो कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये वो है। बस इसमें ये समझना तुम लोगों को कि मोनेरा ये होता है प्रोकैरियोटिक, मतलब जितने बैक्टीरिया होंगे सारे कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होगा। और जो प्रोटिस्टा होता है ये होता है यूकैरियोटिक, इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आएगा फंजाई, तो फंजाई में भी टू न्यूक्लियस होते हैं। अभी जब हम लोग उसको डिटेल पढ़ेंगे कि हाँ हाँ नहीं है, हाँ तो कहाँ लिया गया है वो, उसी तो बोले थे कल, जो वायरस है वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, चाहे ऐसे बोलो ये यही बात, वो क्या है ना। तो ऐसे एक होता है ना कि जैसे मान लो ऐसे समझो
मान लो हम ना घर के अंदर हैं ना बाहर हैं। दहली जानते हो, दहली वो जो जो विंडो जहाँ सॉरी डोर लगा है उसको दहली बोलते हैं, है ना। मतलब हम ना बाहर हैं ना अंदर हैं, तो कहाँ पे हो, उसी बीच पे हो। तो मतलब उसको क्या कहेंगे, ना हम लिविंग कहेंगे ना उसको नॉन लिविंग कहेंगे, चाहे ऐसे कह लो, चाहे उसको कह लो लिविंग भी है और नॉन लिविंग दोनों है ना। इसका मतलब इसीलिए उसको ना जानते हो कनेक्टिंग लिंक है वो दोनों किसको किसको लिविंग के और नॉन लिविंग के जोड़ने बीच का कनेक्टिंग लिंक है। अगर कोई बात आती है तो उसको बोला जाता है वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग बीच कनेक्टिंग लिंक है। बस समझ गए, बस होता है। अब देखो इधर समझो, हम लोग अब पहले शुरू करेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में, क्योंकि ये पूरा ये जो ये वाला जो क्लासिफिकेशन था ये पूरा ऑल अबाउट ऑर्गेनिज्म का था ना। इसमें कितने थे, 5 किंगडम। अब हम इसमें से प्लांट को उठा रहे हैं, अब प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखो प्लांट में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। पहला होगा प्लांट में थैलोफाइटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गा, ध्यान समझना ये किसके किसके कैटेगरी हैं प्लांट के। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये ब्रायोफाइटा। देखो फिर क्या होगा, ब्रायोफाइटा, फिर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, पेटेरियो नहीं, उसको पी साइलेंट है, इसको इसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। समझ गए, इसका पी साइलेंट है, इसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। समझ गए, बोल पी पेटेरियो मत बोल देना। और ये वाला देखो ये है, अगला है जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद एक और आएगा जिसको जिसका नाम होता है एंजियोस्पर्म। तो अभी हम लोग देखो हम तुम लोग को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है इसको, किसको किसको, प्लांट को और एनिमेलिया को, है ना। मतलब सभी प्लांट में अब यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है। जैसे देखो ऐसे अगर हम बात करें, यहाँ बना के भी थोड़ा समझाएंगे। देखो सबसे पहले आएगा एल्गा, किसका है, ये सब प्लांट के पार्ट है ना। अब उसके बाद क्या आएगा, एल्गा के बाद क्या आया था, ब्रायो ब्रायोफाइटा। फिर तीसरा क्या आएगा, टेरिडो फाइटा। फिर चौथा क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म। फिर पांचवा आएगा, बस समझ आ रही, सुनो ध्यान से। जैसे हमने बोला था कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे मोनेरा से एनिमेलिया तक ना, तो डेवलपमेंट आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी जो मोनेरा था, जो ये मोनेरा हुआ करता था सबसे कम डेवलप्ड था, और जो ये एनिमेलिया सबसे अधिक डेवलप्ड है ना। इसी तरह से प्लांट में भी है, जो ये एल्गी है प्लांट का, मतलब ये सबसे कम डेवलप्ड प्लांट है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो ये एंजियोस्पर्म है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट देखने को मिलेगा। बस समझ गए। अब देखो अगर कोई कम डेवलप्ड है तो इसका मतलब प्लांट का अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो कोई ऐसा प्लांट जिसके अंदर रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, सीड हो, सब कुछ हो ना। तो अगर सब कुछ है तो क्या कहलाएगा, वो पूरी तरह से डेवलप्ड है। बात समझ गए। अगर इनमें से रूट ना हो, या रूट के लायक कुछ दूसरा हो, या हाँ लीफ ना हो, स्टेम ना हो, ये सब क्या कहलाएगा, अभी डेवलप ज्यादा नहीं है। तो जो ये एल्गा होता है ना, एल्गी, इसकी कहानी यही है। ये पहली बात तो ये मोस्टली पाया जाता है वाटर में, जो ये प्लांट है ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, वाटर में। और वाटर दो टाइप का होता है, कौन सा, मैरीन और फ्रेश वाटर। बात समझ गए। मतलब मैरीन मतलब समुंदर का पानी, और फ्रेश मतलब समुंदर को छोड़ के जो नदी है, क्या हुआ तुमको, जब पढ़ाई लगती तो पढ़ाने तो नींद आने लगती है, अब मोबाइल मिल जाता है नींद भाग जाती है। हाँ थोड़ा दिखाई दे रहा है, पढ़ रही है, अभी तो चश्मा लगा के सो रही थी। आप देखो ये है मैरीन, मैरीन मतलब समुंद्र का पानी, और इसका मतलब होता है फ्रेश वाटर, मतलब उसके अलावा जो बचा हुआ नदी तालाब है ना, लेक, ये सब कहते हैं। तो ये दोनों वाटर में एल्गी देखने को मिलेगा। देखो उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, समझे। अब ब्रायोफाइटा इससे थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होगा, और जानते हो ये पूरी तरह से पानी में पाया जाएगा। और जो ये होता है ना,
ये इसके कुछ स्पीसीज पानी में भी होंगे और कुछ पानी के बाहर भी होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। याद कर लो या लिख लो, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा का। एम्फीबिया का मतलब समझते हो? हाँ, एम्फीबिया का मतलब, एम्फीबिया में आता है मेंढक, मेंढक पानी में रहता है और पानी के बाहर भी, इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। फिर अगला देखो, अगला आएगा टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा देखा जाए तो ये पूरी तरह से प्लांट पानी के बाहर देखने को मिलेगा, यानी इससे भी ज़्यादा क्या डेवलप होगा ये टेरिडोफाइटा। उसके बाद आएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इससे और ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेगा, और इसके अंदर तुम लोग देखे होगे इसका एग्जाम्पल साइकस पाइनस। हाँ नहीं बेटा, एल्गी मतलब ऐसे काई नहीं बोलेंगे, काई को तो ब्रायोफाइटा में भी मिलता है, समझ गए? जो काई होता है ना वो एक्चुअली रियल जो काई लोग बोलते हैं उस ब्रायोफाइटा में आता है, इसमें समझ गए? एल्गी और ये जो एल्गी होते हैं इनका साइज जानते हो? इनका साइज माइक्रोस्कोपिक से लेके बहुत बड़े बड़े तक होते हैं, मतलब समुंदर की गहराई बहुत। हाँ उसको उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? वो तो इसमें आएगा। हाँ उसमें एल्गा, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो हो सकता है एल्गा। क्या लिली, वाटर लिली? अच्छा वो तो पूरा डेवलप्ड प्लांट में आएगा, वो इस समय नहीं आएगा, वो एक्वेटिक प्लांट डेवलप है वो तो पूरी तरह से, समझ गए? इसे बहुत छोटे। अब एल्गा है उसमें थोड़ा देखो, एल्गी में ना तो रूट पाया जाता है, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से फिर रूट मिलना शुरू होगा, यहाँ पे रूट मिलेगा फिर स्टेम मिलेगा, उसके बाद से फिर आगे डेवलप शुरू हो जाएगा, बस समझ गए? यहाँ से मिलना शुरू होगा, फिर टेरिडोफाइटा मिलेगा जिम्नोस्पर्म में। अब इसमें और इसमें देखो क्या डेवलप मिलेगा, अभी जो लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो सबको बताएंगे पूरा पूरा एग्जाम्पल सहित, बस समझ गए? पर भाई इतना समझना है। अब देखो जिम्नोस्पर्म में एक होता है साइकस, देखो तुम लोग साइकस पाइनस देख नहीं देखे हो? देखे हो बस तुम लोग जानते नहीं हो। इसको नहीं देखे हो तो बजाओ ताली फिर। देखो ये सब साइकस जो ना डेकोरेशन बहुत होता है, तो बहुत सारे इसकी वेराइटियां हैं, समझ गया? ये सब साइकस है और ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। अब जानते हो ये इससे कम डेवलप्ड है, क्यों जानते हो? जो इसका सीड होता है वो होता है नेकेड, कैसा होता है? नेकेड सीड मतलब वो पूरी तरह से फ्रूट से कवर नहीं होता है, समझ आ रही है? तो इसमें उसके बाद इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो ओवरी का जो वाल होता है वो नहीं पाया जाता। अब जब आगे डेवलप होगा जो फ्रूट बनेगा इसमें आएगा एंजियोस्पर्म में, ठीक है? अब यहाँ से देखो ये सब बात यही लिखा है, देखो यहाँ से देखो एल्गी को वो हम लोग थैलोफाइटा भी बोलते हैं, बस समझ गए? यहाँ से देख लो। अब देखो ये क्या है, ये प्लांट हैव एन इरेगुलर शेप्ड, इनका शेप कुछ होते नहीं, देखो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी कॉल्ड थैलस है ना, और प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ये मोस्टली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं, दोनों पानी में। इसका एग्जाम्पल देखो नॉस्टॉक, असिलटोरिया, क्ले माइडोमोनास, और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी जो फेमस है उसमें कुछ एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ है। तो एल्गी में क्या क्या होता है उसका, ये इरेगुलर होते हैं, ये कम डेवलप्ड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी बनती है जिसको हम लोग थैलस बोलते हैं। देखो जैसे हमने बोला कि प्लांट में रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, ये सब होता है, तो जो एल्गा की बॉडी होती है ना उसको क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं, बस समझ गए? और वो थैलस बनेगा और ये प्रीडोमिनेंटली मतलब पूरी तरह से लगभग लगभग कहाँ पाए जाते हैं? पानी में, बस समझ गए? अब देखो दूसरा आएगा ब्रायोफाइटा में, तो ये प्लांट बॉडी इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन अनडिफरेंशिएटेड थैलस और इन द फॉर्म ऑफ लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर, या तो थैलस किसी में होगा। देखो अब लग रहा है ना कि इसमें पूरा तरह थैलस था, इसमें थैलस भी है और कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, बस समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसमें लीफी स्ट्रक्चर भी है और क्या है? थैलस भी है। जब थैलस भी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना
शुरू हो गया है। उधर देखो इसमें देखो नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फॉर वन पार्ट टू प्लांट बॉडी टू एनोदर पार्ट। इसके अंदर वाटर के कंडक्शन के लिए कोई ऐसा पार्ट नहीं पाया था, इसमें यहाँ तो था ही नहीं, और इस वाले में भी अभी नहीं है जो ब्रायोफाइटा है, इसमें भी अभी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल देखो रिक्सिया आएगा, टूनेरिया आएगा और एंथोसिरास आएगा, और समझ गए। अब अगला देखो आएगा, इसी को हमने लिखवाया था, तुमने लिख लिया हो ना, क्या बोलते हैं इसको, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम लिखवा देते ना वहाँ पे। अब ये आएगा ट्रेडोफाइटा। देखो अब इसमें देखो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इंटू स्टेम लीव एंड रूट, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखो साइलोटम और ये नेफ्रोलेपिस और इक्विसिटम, ये सब देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ तुमको इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, रुक जाओ। देखो ये सब ब्रायोफाइट हैं, दिखाई दे जो तुम लोग काई वाली बात करते थे, देखो ये दिखाई दे रहा ना कुछ काई जैसे, यहाँ पे लगता है गिर जाओगे स्लिप करके, ये सब इसमें आते हैं देखने को, वैरायटी है ना। हाँ इसके बगल में हाँ ब्रायोफाइटा है, ऐसा दिखता है ना वो ब्रायोफाइटा है, समझ गए। ये देखो इस तरह दिखता होगा, ये इस तरह से, लेकिन वो है वही ब्रायोफाइटा है वो, समझ गए। ये जो ये तो इसकी इसकी लीफ है, वो जानते हो वो प्लांट में आएगा, वो ब्रायोफाइट नहीं आएगा, वो एक्वेटिक प्लांट है, उसकी पत्तियां बस छोटी होती हैं। हाँ हाँ वो एक्वेटिक प्लांट में आएगा, मतलब वो डेवलप्ड प्लांट है, वो ब्रायोफाइट नहीं आएगा, समझ गए। हाँ समझ गए, वो प्लांट एक्वाटिक प्लांट में आएगा वो। हाँ हाँ उसमें तो इसमें आएगा, जो डेवलप होगा तो इसमें आएगा ना, समझ गए। अगर देखो किसी में एंजियोस्पर्म मतलब पूरी तरह से, इसमें देखो फ्लावर भी आ रहा है ना, फूल भी है, और क्या बोलते हैं सीड भी बनेगा बाद में, वो सब डेवलप्ड है, इसका मतलब किसमें आएगा, एंजियोस्पर्म में, समझ गए। अब ये देखो ट्रेडोफाइटा में, यहाँ पे देखो ये वाला ये होगा ट्रेडोफाइटा में, क्या क्या आएगा देखो, इसमें स्टेम मिला, लीफ मिला और रूट मिला, और ये स्पेशलाइज टिश्यूज भी देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कंडक्शन ऑफ वाटर। अब कंडक्शन ऑफ वाटर किससे होता है, देखो एक होता है जाइलम, क्या क्या होता है कंडक्शन वाटर कंडक्शन के लिए, एक होता है ये तो तुम लोग पढ़े होगे ना जाइलम, इससे किसका कंडक्शन होता है वाटर का, और एक होता है फ्लोएम, इससे किसका कंडक्शन होता है फूड का। तो इन दोनों का ये पूरा इसका वैस्कुलर सिस्टम है प्लांट का। तो ये कहाँ पे देखने को मिला, देखो ये यहाँ पे देखने को मिला टेडोफाइटा में, है ना। यानी अगर देखा जाए तो टेडोफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड हुआ, यहाँ तक नहीं था, कहाँ आया टेडोफाइटा में, और यहीं पे अच्छे से स्टेम देखने को मिला, लीफ देखने को मिला, और क्या देखने को मिला, रूट देखने को मिला, है ना। अब इसे इसका एग्जाम्पल देखो, अगर दिखा रहे हैं देखो इसमें इसमें क्या डिफरेंस हो, देखो ये सब लग रहा है ना ट्रेडोफाइटा, थोड़ा सा उससे बड़ा बड़ा प्लांट, ब्रायोफाइटा से बड़े लग रहे हैं ना इसमें। देखो इसमें अलग से पत्तियां दिखाई दे रही हैं, देखो ये सब पत्तियां हैं, है ना,
ये सब देखो, ये सब सारी क्या है, पत्तियां हैं, इनमें लीफ भी मिले, वो सॉरी रूट भी मिलेगा, स्टेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, समझ गए। तो ये सब क्या आते हैं, टेडोफाइटा में। अब देखो अगला आएगा जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में देखो यहाँ पे लिखा है नेकेड सीड, तो नेकेड सीड तभी होगा, ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो, जो सीड बनता है, देखो जो सीड बनता है ना, ये किससे बनता है जानते हो, ऐसे समझो, जो एक होता है ओवरी होता है ना, जब ये मैच्योर होता है क्या बनाता है, फ्रूट, और एक होता है ओब्यूल, जब ये मैच्योर होता है क्या बनाता है, सीड। और ये कहाँ पाया जाता है, इसे मान लो ये देखो ऐसा है, तो ये जो है ये कहलाता है ओवरी, है ना, और जो इसके अंदर होता है ये कहलाता है ओब्यूल, बात समझ गए। तो अगर ओब्यूल है, ओवरी नहीं, मतलब ये ओवरी वाला पार्ट पोर्ट नहीं है, तो सीड तो बन जाएगा, उसको कवर करने वाला कोई नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं नेकेड सीड। तो जितने भी जिम्नोस्पर्मिक होते हैं सब में होता है नेकेड सीड, बात समझ गए। उसके बाद देखो ये यूजुअली पेरिनियल होते हैं, पेरी मतलब होता है बहुत साल, मतलब जैसे एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, जैसे कुछ प्लांट होते हैं एनुअल मतलब वो ग्रो करते हैं एक साल के लिए, कुछ होते हैं दो साल के लिए, और कुछ होते हैं बहुत सारे साल। तो जिम्नोस्पर्मिक कैसे होते हैं, पेरिनियल, और एवर ग्रीन होते हैं एंड वूडी होते हैं, है ना। अब कोई एग्जाम्पल आप जिम्नोस्पर्म देखोगे तो कुछ तुमको ऐसा दिखाई देगा, देखो बहुत सारे, देखो ये देखो, इसको तो सभी लोग जानते होंगे, है ना, जो पाम होते हैं, जो खजूर जानते हो तुम लोग ना, वो किस में आएगा, जिम्नोस्पर्म में आएगा ना, आएगा। और ये देखो ये सब, ये देखो इस तरह से, ये सब क्या है, ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म में आएंगे, बात समझ गए। तो इस तरह से इनके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, उनके जो पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसका एग्जाम्पल, ये जिंको, पाइनस और नीटम और साइकस भी होता है, और इसका एग्जाम्पल साइकस भी होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, अगला है एंजियोस्पर्म। अब देखो एंजियोस्पर्म सबसे अधिक डेवलप्ड है। अब इसमें देखा जाए तो प्लांट बॉडी प्रोड्यूस सीड विच आर इनक्लोज विद द फ्रूट, मतलब अगर किसी में फल, प्योर फल देखने को मिलता है वो कौन होगा, एंजियोस्पर्म में, बस समझ गए। और ये नंबर ऑफ कॉटिलीडन के बेस पे एंजियोस्पर्म का दो क्लास होता है, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट, जो तुम लोग ये दोनों पूरा पढ़ चुके हो सीड वाले पार्ट में ना, एक होता है डाइकॉट सीड और एक होता है मोनोकॉट सीड। तो डाइकॉट में अगर ये कॉटिलीडन ऐसे दो हैं तो क्या कहलाएगा, डाइकॉट, अगर एक कॉटिलीडन है तो क्या कहलाएगा, मोनोकॉट। मोनोकॉट का एग्जाम्पल बताओ, मेज था, वीट था, है ना, ये सब किस में आएगा, मोनोकॉट में आएगा। और डाइकॉट में क्या आएगा, जितने भी दाल हैं जैसे चना और ये मटर, कोकोनट तो एंडोस्पर्म है बेटा, कोकोनट जो है ना वो क्या है, वो एंडोस्पर्म है ना। तो अब देखो ये क्या कहलाएगा, अब इसमें देखो इसमें मेज, बीन, बीट, वो तो जिम्नोस्पर्म में आएगा ना, कहाँ था, देखो एग्जाम्पल ये मिला था ना इसमें, ये देखो ये क्या है ये, अरे सॉरी नहीं यार, होगा ये एंजियोस्पर्म में आएगा, एंजियोस्पर्म में आएगा, वेरी सॉरी, ये आएगा एंजियोस्पर्म में ही, लेकिन इसका जो वो है वो सीड है उसका, ये जो दिखता है वो कॉटिलीडन है, जो बड़ा दिखता है गोला वो कॉटिलीडन है, उसका सीड देखोगे ना तो वो मोनोकॉट टाइप से होता है, उसका सीड जो यही पॉइंट यहीं पर होता है छोटा सा, बस समझ गए ना, इसका सीड मोनो और होता तो वो उसमें आएगा, मतलब उसका एंडोस्पर्म है वो, समझ गए। अब देखो यहाँ पे मेज है, बीन है, तो ये मेज क्या है, ये मोनोकॉट है ना, और ये क्या है, डाइकॉट है। वीट क्या है, ये क्या है, मोनोकॉट है। तो इस तरह से सीड देखो इसमें देखने को मिलेगा, समझ गए। अब देखो हम लोग इसको पढ़ लिए, प्लांट का क्लासिफिकेशन क्या क्या पढ़ना है, और अब देखो अगला आएगा ये एनिमल वाला, जो तुम लोग को देखने को मिलेगा, ये एनी किंगडम एनिमेलिया में, एनिमल किंगडम में इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी टाइम हो गया क्या, हो गया अभी सीबीएसई वाली क्लास, चलो तुम लोग अभी इसको देख लेना,
हम लोग क्या करेंगे कि अभी जब डिटेल में पढ़ाएंगे ना ये पूरा, इसका क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, ये पूरा इसको हम लोग एक बार फिर से बात करें, ठीक है।